लेते हैं एक बार आज की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पतीले में लगभग 1.5 ग्लास पानी, और उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, और उसमें हम डालेंगे लगभग 1 किलो गोभी, उसके फूल इस तरीके से कट किए हुए। तो इन्हें हम सिर्फ एक बॉयल आने तक ही उबालेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं उबालना है, और इस प्रोसेस में लगभग 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। और उसके बाद हम इन गोभी के फूलों को निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन में 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 बड़े चम्मच मैदा, और 1 चम्मच लेंगे चावल का आटा। और अब इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक डालेंगे 1 चम्मच, और जिंजर गार्लिक का अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और इन सबको हमें मिक्स कर लेना है। और हल्का हल्का पानी डाल करके इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है, बहुत ही पतला पेस्ट नहीं बनाना है, और बहुत आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक थिक साइज़ का पेस्ट बना लेंगे जिसमें कि कोई भी लम्स ना रह जाएँ। और अब जब ये पेस्ट बन के तैयार हो चुका है, तो अब इसके अंदर हमने जो ठंडा करके गोभी के फूल रखे थे उनको हम इनके अंदर डिप कर लेंगे, और इस तरीके से देखिए इनकी कोटिंग कर लेनी है अच्छे से, और इन्हें इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें साइड रख लेंगे। अब हम लेंगे एक कढ़ाई में तेल, इस तेल में हमें इन सबको फ्राई करना है, इन गोभी के फूलों को। तो ये देखिए, अब जो फ्लेम है उसे हमें मीडियम टू हाई पे रखना है, और गोभी के जो फूल हैं उनको हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और इन्हें हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से चला चला के फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितने अच्छे से कलर के हो गए हैं ये गोभी के फूल। अब इन्हें हम साइड रख लेंगे, फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। तब उसके बाद हम लेंगे एक कढ़ाई में लगभग 2 बड़े चम्मच तेल, और उसे थोड़ा सा गर्म होने रख देंगे सिम पे। और तब तक हम एक चम्मच एक कटोरी में लेंगे कॉर्नफ्लावर, और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसका एक घोल सा बना के साइड रख लेंगे। और जो हमने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया था, अब उसमें हम 7 से 8 कटे हुए बारीक लहसुन डाल देंगे, लहसुन के पीसेस डाल देंगे, और 2 हरी कटी हुई मिर्चें डाल देंगे, और इन्हें हल्का सा भुन लेंगे। बिल्कुल हल्का सा भुनना है, बिल्कुल हल्का सा लाइटिश ब्राउन सा कलर आ जाए तब तक इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए भुनना है। और अब उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज और 1 कटी हुई शिमला मिर्च। अब इन्हें भी हमें हल्का सा चला लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते ही हैं जो गोभी मंचूरियन होता है उसके अंदर जो सब्जियां होती हैं वो थोड़ी सी कच्ची ही अच्छी लगती हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, सिरका डालेंगे 2 चम्मच, ग्रीन चिली सॉस डालेंगे इसके अंदर 2 चम्मच, और सोया सॉस डालेंगे 2 बड़े चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, टमाटो सॉस डालेंगे इसके अंदर 2 बड़े चम्मच, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम हरा प्याज कटा हुआ। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इन्हें बिल्कुल हल्का सा, मैंने जैसे कि बताया 2 मिनट ही चलाना है। और चलाते चलाते इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने कॉर्नफ्लावर का थोड़ा सा पेस्ट बना के रखा था, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का थोड़ा पानी मिक्स करके उसे हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसे भी हम आराम आराम से हल्का सा चला लेंगे, और जो गैस का फ्लेम है उसे मीडियम टू हाई पे ही रखना है। अब ये हमारा जो मिक्सर है बनके तैयार हो चुका है, इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने गोभी फ्राई करके रखी थी वो सारी गोभी इसके अंदर डाल देंगे हम, और बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, मैं फिर से बताना चाहूँगी, इसे हल्का सा बस चला लेना है, इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और हल्का सा इसके ऊपर हमने हरी प्याज को भी स्प्रिंकल कर दिया है, और ये हमारा लुटपुट वाला गोभी मंचूरियन बनके तैयार हो चुका है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाएं, और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को एक बार प्रेस ज़रूर करें, और यकीन मानिए ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाती है। तो चलिए इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। ये हमारा गोभी मंचूरियन बन के तैयार हो चुका है, तो मैं तो जा रही हूँ इसे खाने, और आप भी इसे अपने किचन में एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसे एक बार बना करके खुद भी खाएँ और औरों को भी खिलाएँ। आप लोगों को मेरी ये आज की रेसिपी जो मैंने अभी बनाई है आपको पसंद आई होगी, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए हुए लाइक के बटन को एक बार प्रेस जरूर करें, और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो जरूर करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में एक नए एंटरटेनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।